आप सभी लोगों को नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ हम बात करने वाले हैं लेतना नाय मिथिला यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर वन एडमिशन के बारे में। अगर आप भी मिथिला यूनिवर्सिटी से यूजी सेमेस्टर वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किए होंगे तो जान सकते हैं कि इसका आप लोग को फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट मेरिट लिस्ट आप लोग को जारी कर दिया गया है। मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट में जो लोग को नाम नहीं आया उन सभी लोग को थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो उस कंडीशन में काफ़ी सारे वीडियो पर कमेंट करने लगे हैं कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। चलिए इस प्रो बताते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट मिथिला यूनिवर्सिटी का कब आने वाला है और इसका आप लोगों को कब से एडमिशन स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसे कुछ होता है वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता देंगे। तो जानिए से मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग को जारी किया गया था। अगर आपका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा इसके बाद आप लोग को थर्ड मेरिट लिस्ट भी आप लोग को जारी किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को थर्ड मेरिट लिस्ट भी आप लोग को जारी किया जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लोग को नाम खोजना पड़ेगा। अगर आप लोग को थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को स्पॉट एडमिशन कराना पड़ेगा। जो भी आप लोग कॉलेज में सीट खाली होगा उसमें आप लोग को जाकर स्पॉट एडमिशन लेना पड़ेगा। जान जी मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से फिर से आप लोग को स्पॉट एडमिशन का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन फिर से आप लोग को कराना पड़ेगा। जैसे इसका आप लोग का स्पॉट एडमिशन खुलेगा आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता देंगे और मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से थर्ड मेरिट लिस्ट जान जाइए तो 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को थर्ड मेरिट लिस्ट इसका आ रहा है। जान जाइए थर्ड मेरिट लिस्ट इसका आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को मेरिट लिस्ट आप लोग को जारी किया जाएगा। जो जारी करने के लिए आप लोग जैसे फिर से आप लोग को वेबसाइट पर ही आप लोग को दिया जाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट का। वहाँ से आप लोग जाकर थर्ड मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले को नाम लिखाने की भी जान जाइए। 2 से 3 दिन का ही आप लोग को टाइम दिया जाएगा। जान जी 2 से 3 दिन का ही आप लोग को टाइम मिलेगा थर्ड मेरिट वाले को नाम लिखाने के लिए। चलिए उसके बाद आप लोग को फिर से आप लोग का स्पॉट एडमिशन होगा। जैसे इसका आप लोग का स्पॉट एडमिशन होता है या आप लोग को थर्ड मेरिट आप लोग को जारी होता है वैसे ही आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को हम फिर से आप लोग को बता देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जैसे कुछ होता है वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता पाएंगे। नहीं तो आप लोग वीडियो को नहीं देखिएगा आप लोग फिर से आप लोग को 1 साल आप लोग को बर्बाद हो जाएगा और 1 सेशन आप लोग पीछे हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए तब तक इतना ही।